अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अवर न्यू टॉपिक। एंड अवर टुडेज टॉपिक इज सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज। यू नो दैट अबाउट सेल्स, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी, एनी प्लांट एंड एनी ऑर्गेनिज्म। वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। ओके, आई टोल्ड यू बिफोर दिस अबाउट द सेल। सेल्स perform a single function, they make tissues, and tissues organize them and they make a single function, they make organs. Organs make a single function and organize in a one system, they make organ system. Okay student, and many organ systems are found in an organism. I told all of the things, मैंने इन तमाम चीजों के मुतालिक आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ताकि आप लोग पहले से इसको समझ लो कि आज हमने क्या करना है इन डिटेल। सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यूज मेक ऑर्गेन्स, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम जो है कितने और सो मेनी ऑर्गेन सिस्टम्स जो हैं वो फाउंड होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? एक फुल जानदार, एक फुल फर्द, एक फुल एनिमल, एक प्लांट ऑर्गेनिज्म है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न इट इन अ डिटेल। सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज, हाउ सेल्स फॉर्म टिश्यूज, सेल्स कैसे जो है जी टिश्यूज बनाते हैं, हाउ सेल्स फॉर्म टिश्यूज। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, what are multicellular organisms in which many cells are found? The organisms, that organisms which are made up of many cells are called multicellular organisms. In the multicellular organisms, cells work in a group. In multicellular organisms, cells work in a group. A group of cells performing same function, a group of cells performing same functions is called tissue. Okay students, क्या कहा मैंने? सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज इन देयर बॉडीज। नाउ हियर आर सम प्लांट टिश्यूज एग्जांपल्स, प्लांट टिश्यूज एग्जांपल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज टुडे वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एपिडर्मल, epidermal tissue. Okay, and the second one is xylem tissue, and third one is phloem tissue. These are the example of plant tissues, plant tissues, epidermal tissues, xylem tissues and phloem tissues. Okay, now if we draw a diagram of root, diagram of root transection, root in the root transection, अगर हम किसी रूट को लें, उसका ट्रांसेक्शन काटें और उसको अंदर से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो हमें इस तरह से कुछ नजर आता है कि बहुत सारे सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल का मतलब है ऊपर वाली लेयर, जो किसी भी प्लांट की रूट की या स्टेम की जो बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। ओके, वो एपिडर्मल सेल्स से मिलकर बनती है, और मैनी एपिडर्मल सेल्स व्हेन वर्क टुगेदर एंड दे परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, दे मेक एपिडर्मल टिश्यूज। यू लुक दैट दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, व्हेन दे ग्रुप टुगेदर दे मेक एपिडर्मल टिश्यूज, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यूज। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यूज, epidermal tissues, outermost layer of that is the structure of the root. ये मैं root का एक structure बना रही हूं, root, it's the structure of a root. Root का structure है जिसके outermost layer के जो cells हैं ये epidermal tissues बनाया है इन्होंने, ठीक है जी, outermost layer epidermal tissues से है। Epidermal tissues covers the root, stem and leaves of a plant. Okay, epidermal tissues covers the root, stem and leaf of a plant. Now the next one is the xylem, xylem tissues, xylem, मैंने
जाइलम टिश्यूज जो है, मैंने आपको मैं भी पहले भी अपने लेक्चर में किसी में बताया हो, जाइलम टिश्यूज का काम क्या है, ये वाटर को, सॉल्ट्स को जो है वो लेके जाते हैं पौधे के रूट से ऊपर के हिस्सों तक, स्टेम तक, लीफ तक. ओके, जाइलम टिश्यूज कंडक्ट द वाटर एज वेल एज सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स टू एंड द स्टेम टुवर्ड्स द लीफ. ओके, स्टेम्स सॉइल से रूट तक लेके आते हैं, रूट से स्टेम, एंड स्टेम से फिर लीफ तक लेके जाते हैं जाइलम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज का काम क्या है, वॉटर को एंड सॉल्ट को, किसको, वॉटर एज वेल एज, वॉटर एज वेल एज सॉल्ट फ्रॉम द रूट टूवर्ड्स द लीफ लेके जाना, फ्रॉम द रूट टूवर्ड्स द लीफ. ओके, ये किसका काम है, जाइलम टिश्यूज का. ओके, जाइलम टिश्यूज कंडक्ट वॉटर एंड डिजोल्व सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. ओके, नेक्स्ट वन इज द फ्लोएम टिश्यूज. फ्लोएम टिश्यूज, फ्लोएम में अक्सर स्टूडेंट्स को बताती हूँ, फ्लोएम फ से फोनिक निकलती है, फूड, यानी इनका काम क्या है, फूड को, किसको, फूड को जो के प्रिपेयर होती है, फूड कहां पर, इन द लीव्स. फूड कहां पर प्रिपेयर होती है, इन द लीव्स. लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर होती है, उस फूड को जो के प्रिपेयर होगी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होती है, अकर होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो के लीव्स के अंदर होता है और उसमें फूड प्रिपेयर होती है, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ फूड प्रिपरेशन, फोटोसिंथेसिस. ओके, कहां पर होता है, इन द लीफ, लीफ के अंदर होता है. ओके स्टूडेंट्स, लीफ के अंदर क्या होती है, क्या होता है प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस फूड को प्रिपेयर करता है, प्रोसेस में फूड प्रिपेयर होती है इन द लीफ. ओके, दीज फ्लोएम टिश्यूज जो फूड प्रिपेयर होती है उसको कैरी करती है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. वी कैन से दैट फ्लोएम टिश्यूज कैरीज द, फ्लोएम टिश्यूज कैरीज द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब ये जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज पाए कहां जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रा द जाइलम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज आर लाइक दैट, यहां ऐसे ये मैं बना रही हूं सेल्स कुछ, ये हैं जाइलम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज पाए जाते हैं इस तरह, जो कि जाइलम सेल्स मिलकर बनाते हैं, और इनके दरमियान में यहां पर क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा शेप मैंने डिफरेंट कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके. ओके, नाउ लाइक दैट. अब यहां पर ये क्या है, जाइलम टिश्यूज है, जाइलम टिश्यूज, और ये जो है ये है फ्लोएम टिश्यूज. क्लियर हो गया जी. नाउ इन द प्लांट टिश्यूज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड, एपिडर्मल टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज. एपिडर्मल टिश्यूज आउटरमोस्ट टिश्यूज होते हैं किसी भी रूट के, स्टेम के अंदर, किसी भी स्टेम, रूट या लीफ के एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं. एंड द जाइलम टिश्यूज, दीज आर द टिश्यूज विच कंडक्ट द वाटर एंड द साल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. ओके, रूट से जो कि सॉइल में अंदर गई होती है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर होती है, वहां से पानी और नमकियात को पौधे के ऊपर के हिस्सों तक यानी पत्तों तक पहुंचाते हैं, पानी को और सॉल्ट्स को. फ्लोइंग टिश्यूज द फूड विच इज कंडक्ट, विच इज प्रिपेयर इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वो जो फूड प्रिपेयर होती है उसको लीव से लेकर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स के लेके जाना. ओके जी, ये काम है फ्लोइंग टिश्यूज का. ओके, ये हो गए प्लांट टिश्यूज. Now we are discussing next animal tissues. Animal tissues. Like the plant, many examples of animal tissues. For example, some tissues are muscles tissues. Some examples like that, muscle tissues. Bone tissues. Blood tissues. These are the example of animal tissues. Okay, students. Animal tissues. How many animal tissues we discussed? Three. Muscles tissues, bone tissues, and blood tissues. Now, muscles tissues. In an animal's body, muscle cells form muscles tissues to help in movement. Muscles tissues help in movement.
ओके हेल्प इन मूवमेंट. बोन टिश्यूज मूवमेंट, यू नो दैट मूवमेंट, हरकत करना, जिसकी वजह से एक एनिमल में हरकत होती है, मूवमेंट होती है मसल्स टिश्यूज की वजह से. ओके मूवमेंट, मसल्स टिश्यूज मूवमेंट करते हैं. ओके नेक्स्ट इज द बोन टिश्यूज. बोन टिश्यूज इज फॉर्म्ड बाय बोन सेल्स. बोन सेल्स जो है बोन टिश्यूज बनाते हैं. दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड सेल्स, दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड सेल्स विच मेक बोन टिश्यूज गिव्स द शेप एंड द सपोर्ट ऑफ द बॉडी. दिस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टिश्यूज, वी कैन से द हार्ड सेल्स एंड द स्ट्रॉन्ग सेल्स मेक द शेप ऑफ अ बॉडी. शेप एंड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ड्यू टू द बोन टिश्यूज. ओके मसल्स टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट. बोन टिश्यूज हेल्प द बॉडी टू गिव अ शेप एंड अ स्ट्रेंथ. ओके स्टूडेंट. ओके बोन टिश्यूज गिव द शेप एंड द स्ट्रेंथ एज वेल एज सपोर्ट टू द बॉडी. ओके एंड द नेक्स्ट इज द ब्लड टिश्यूज. ब्लड सेल्स फॉर्म्स द ब्लड टिश्यूज. दिस टिश्यूज कैरीज द मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. ब्लड टिश्यूज कैरीज द डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. डिफरेंट मटीरियल्स कैरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. ओके इन द एनिमल्स टिश्यूज मसल्स टिश्यूज बोन टिश्यूज एंड द ब्लड टिश्यूज आर फाउंड एंड दे डू डिफरेंट फंक्शंस. ओके लाइक द प्लांट टिश्यूज. ओके दीज आर टिश्यूज विच फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ सेल्स. वेन मैनी सेल्स वर्क टूगेदर दे मेक टिश्यूज. ओके वेन मैनी सेल्स वर्क टूगेदर दे फॉर्म टिश्यूज. ओके आफ्टर दैट वी डू द ऑर्गन्स विच मेक बाय टिश्यूज. ओके नाउ वी डू दैट टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स. मैं चाहती हूं टू स्टूडेंट्स कि मैं आपको इसको दो टॉपिक्स में करवा दूं. आज हम टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स तक जो है इंशाल्लाह ताला करेंगे. पहले हमने सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज किया, अब टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स. ओके टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स. डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. ओके डिफरेंट टिश्यूज वेन ऑर्गेनाइज इन अ वन थिंग वन वेयर देन दे फॉर्म ऑर्गन. टिश्यूज ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सच एज हार्ट लंग्स आईज ब्रेन्स एटसेट्रा. एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टूगेदर. बट आई से एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टूगेदर एन ऑर्गन परफॉर्म्स वन और मोर देन फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स वट इज ऑर्गन. An organ is made up of different tissues which work together and an organ perform one or more than one function. In the plants, first of all in plants, example in the plant organs, these are, first one is a leaf. Leaf is an organ in the plant. Plant leaf is an important organ. And leaves make their own food. मैंने आपको पहले भी बताया था leaf make their own food with the help of a process which is called photosynthesis. And photosynthesis with the help of sunlight. सूरज की रोशनी में sunlight की मौजूदगी में plants जो है अपनी food prepare करते हैं with the help of a process which is called photosynthesis. Photosynthesis. Okay, student? Leaf. Very important organ in the plant. Okay? Plant make their food with the help of leaf and in the process of photosynthesis. Okay, now the next organ is flower. You know that flower? Phool. Ahem organ hai. Bahut important organ. A flower is another important organ of the plant.
फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स एंड सीड्स ग्रो टू द न्यू प्लांट. फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स एंड सीड्स ग्रो टू द न्यू प्लांट्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन इन द प्लांट फ्लावर. फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स एंड सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ रूट. नेक्स्ट ऑर्गेन इज अ रूट, जड़. वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन रूट. दिस ऑर्गेन होल्ड द प्लांट इन द सोइल. दिस ऑर्गेन होल्ड द प्लांट इन द सोइल, मट्टी में गाड़ के रखता है प्लांट को. दिस ऑर्गेन होल्ड द प्लांट इन द सोइल एंड रूट ऑल्सो अब्सॉर्ब्स वॉटर एंड सॉल्ट. रूट अब्सॉर्ब्स वॉटर एंड सॉल्ट. ओके स्टूडेंट्स, वॉटर एंड सॉल्ट, दीज आर द प्लांट ऑर्गेन्स. ओके, लीफ, फ्लावर, रूट, स्टेम, शूट, मेनी मोर, बट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर लीफ, फ्लावर एंड रूट. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज वी लुक इन द एनिमल. एनिमल ऑर्गेन्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन द एनिमल ऑर्गेन्स यू नो दैट हार्ट. आई राइट हियर फर्स्ट हार्ट, लंग्स विच वी डिस्कस नाउ, हार्ट, लंग्स एंड लिवर. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल ऑर्गेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट. द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स विच कैरी इट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट पंप्स द ब्लड. हार्ट पंप्स ब्लड. पंप्स ब्लड. पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दिस ब्लड इज कैरी इन द वेसल्स एंड विच गोज टूवर्ड्स द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना और उसको वेसल्स के जरिए तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना और फिर वापस हार्ट तक भी लेके आना. ये है हार्ट ऑर्गेन इन द एनिमल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द लंग्स. लंग्स, आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन दैट हेल्प्स इन रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन मीन सांस लेना, तनफ्फुज, निजाम तनफ्फुज जो है हमारा सांस लेने का अमल ड्यू टू द लंग्स. रेस्पायरेशन अकर ड्यू टू द लंग्स. So very very important in the process of respiration. Okay, so heart, lungs, both are very very important organ in the animals. Now the next one is the liver. Liver is an organ which helps in digestion of food. Liver help in digestion of food. Digestion of food. Now for example we can say that it's a very very important organ which help in our digestive system and help in digestion. Okay, liver secretes some enzymes which help in digestion. Liver का काम क्या है? कुछ ऐसे enzymes को secrete करता है जो कि हमारी खुराक को हजम करने में, हमारी food को हजम करने में हमारी help करते हैं. So these are the organs in the animals, heart, lungs and liver. Okay, very important organs and in the plants, leaf, flower and root. We discussed these are the organs in plants and animals. I think आप लोगों को समझ आया होगा इस टॉप, इस पार्ट को जो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल कर रहे हैं इस चैप्टर में. टिश्यूज फॉर्म ऑर्गेन्स तक किया है. नेक्स्ट हम ऑर्गेन्स फॉर्म सिस्टम जो है अपने पार्ट टू में करेंगे. इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड किया क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आई डिवाइड इट इंटू टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीटेड नाउ इन विच वी डिस्कस अबाउट द सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गेन्स. जो है वो हमने दो टॉपिक किए हैं, सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म ऑर्गेन्स. इससे पहले हमने जो किया है वो क्या है? सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज, सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गेन्स. ओके बच्चे, ये हमारा था जी आज का टॉपिक. आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा. कोशिश मैंने की है आप लोगों को समझ आए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप वीडियो को रिवाइंड करें और उसको दोबारा देखें तो आपको वो जो क्लियर नहीं होते पॉइंट वो भी क्लियर हो जाएंगे. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसमें उसका जवाब जरूर दूंगी, रिप्लाई करूंगी आपका. मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और गिव मी अ थम्स अप. It's very important for me. Allah Hafiz.